के बाद स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के बढ़ते मामले आखिरकार कब तक बढ़ते रहेंगे, कब सरकार इन पर अंकुश लगाएगी। तो चलिए, इससे पहले हम दिल्ली, देश की राजधानी का हाल जाने, पहले हम रुक करेंगे चंडीगढ़ का, और केंद्र शासित प्रदेश है ये, और वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल, हमारे संवाददाता। अनिल, हम चंडीगढ़ की बात करना चाहेंगे, दो स्टेट्स की ये राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। शुरुआत हरियाणा से करना चाहेंगे, पंजाब में हमारी बात विवेक से हुई है। अनिल, हरियाणा स्टेट की बात करें, उससे पहले चंडीगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि सिटी ग्रीन है, क्लीन है, ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ, तो जाहिर सी बात है पौधों में, गमलों में पानी रुकता होगा। तो चंडीगढ़ के आंकड़े क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी जो आंकड़े हैं पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़े हैं। चाहे डेंगू की बात की जाए, चिकनगुनिया की बात की जाए, पहले जहां डेंगू के पिछले साल 70 से 80 मामले सामने आए थे, वहीं अब करीब 150 मामले जो हैं वो डेंगू के सामने आए हैं। चिकनगुनिया का पहले एक मामला सामने आया था, अब 6 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। और जैसे पहले डेंगू के जो लगातार मामले बढ़े उसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो टेस्ट हैं डेंगू के वो फ्री कर दिए गए हैं, सेक्टर 32, सेक्टर 16 और PGI में। और इसी के साथ अब क्योंकि चिकनगुनिया के जो मामले हैं, 6 मामले सामने आ चुके हैं, उसको देखते हुए चिकनगुनिया के जो टेस्ट हैं वो भी मुफ्त कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं इनको रोका जाए। इसी को लेकर घर घर में सर्वे भी जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से करवाया जा रहा है, वहाँ पर जाँच करवाई जा रही है और चालान भी काटे जा रहे हैं जहाँ पर अनियमितताएँ पाई जा रही हैं। तो चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ में बेशक मामले बढ़े हैं, लेकिन प्रशासन अब पूरी तरह से हरकत में आ गया है और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी, तो यानी कि गतिविधियां प्रशासन की तरफ से तेज कर दी गई हैं, चाहे वो फॉगिंग के मामले हैं, एंटी लार्वा से रिलेटेड गतिविधियां हो। अनिल, जिस तरह से आपने मुफ्त टेस्ट की बात की है, हालांकि करनाल की भी हम आपसे बात करना चाहते थे कि वहां पर तो है जो टेस्ट रेट है कहीं 600 रुपया डिसाइड हुआ है, तो कहीं 1000 जो रेट बताए जा रहे हैं कि RT-PCR 1000 में कर रहा है, चिकनगुनिया का जो टेस्ट है और डेंगू का, एलिमा का रेट है 600। पर अनिल, हम आपसे ये जरूर बात करना चाहेंगे, हरियाणा प्रदेश की बात करना चाहेंगे, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या अभियान चलाए गए हैं प्रशासन की ओर से कि लोग जो हैं इससे मुक्त हो ताकि आंकड़ों पर अंकुश लग पाए? देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो जब मौसम शुरू होने से पहले जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा विभिन्न विभागों की बैठक ली गई थी और उसको लेकर उचित दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए थे। सरकारी जो विभाग हैं, चाहे स्कूल और कॉलेज की जो इमारतें हैं उनको लेकर भी सख्त आदेश दिए गए थे कि उसमें साफ सफाई रखी जाए और अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो चालान जो है वो काटे जाएंगे। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में 350 के करीब जो हैं मामले सामने आए हैं डेंगू के। हालांकि मलेरिया की अगर बात की जाए तो मलेरिया हरियाणा के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। 6000 से भी ज़्यादा मामले जो हैं वो मलेरिया के सामने आए हैं, जिसमें से अधिकतर मामले जो हैं वो मेवात के सामने आए हैं। इसको लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, लोगों से अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि जब भी उन्हें कोई शिकायत होती है तो तुरंत जो है सरकारी हॉस्पिटल का रुख करें और सरकार की तरफ से इसमें समय समय पर लोगों को अवगत भी करवाया जा रहा है और जानकारी भी दी जा रही है। जी, चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया चंडीगढ़ और हरियाणा से जुड़े ताजे आंकड़ों से हमें वाकिफ करवाने के लिए। पर सवाल यही है, आखिरकार ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, स्थितियां और भयावह हो चुकी हैं क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया की मार तो जनता पहले ही सह रही थी, अब मलेरिया भी साथ जुड़ गया है। तो ये बीमारियां एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, काल के मुंह में जाते जा रहे हैं। चलिए, देश की राजधानी दिल्ली के बारे में जानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मौजूद हमारे संवाददाता हरकिरत सिंह ने बात की, तो चलिए हरकिरत से जानते हैं। हरकिरत, इस वक्त अस्पताल में क्या हालात हैं और मरीज क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, हमने जानने की कोशिश करी डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। यहाँ पे काफी मरीज हैं जो डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित हैं और उनका यही मानना है कि उनको पिछले 8-10 दिन से बुखार है, लेकिन भीड़ की वजह से वो कभी वापस चले जाते हैं तो कभी कभार उनको काफी मुश्किलों का सामना पड़ता है। देखिए, काफी पीछे आपके पेशेंट्स देख पा रहे हैं हरकिरत, हम जानना चाहेंगे DDU अस्पताल में मरीजों को किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, इस टाइम मैं दीनदयाल हॉस्पिटल हरिनगर में पहुंच चुका हूँ और जहाँ पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं इस टाइम काफी भीड़ है
और किस तरीके की यहाँ पर लोगों को समस्या चल रही है वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं इस टाइम। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ पर जी दवाई लेने आया था जी। मैं तो 4 महीने से भाग रहा हूँ यहाँ पे, अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। किस चीज़ की दवाई लेने आए हैं? ये हड्डी दर्द करती है, बुखार आता है, 1 हफ्ते बाद बुखार आ जाता है, 2-4 दिन बाद बुखार आ जाता है, ऐसे करते करते 5वां महीना है। आपने चेकअप कराया? चेकअप करवाया जी। क्या बोला डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने ये बोला था कि मेरे को 8 दिन का बुखार चेक करके लाना, वो मैं लाया तो उसका आज का दिन ही नहीं, कल का शनिवार का दिन दिया। डॉक्टर ने आपको बताया कि क्या क्या हिदायतें रखनी है, उसके बारे में कोई जानकारी डॉक्टर ने आपको दी? हाँ जी दी थी, बोले 8 दिन बुखार चेक करके लाना, वो मैं लाया तो आज की डेट नहीं, शनिवार की डेट है, शनिवार को आना पड़ेगा। तो क्या परेशानी आपको आ रही है? बुखार आता ही है और हड्डी दर्द करती है। आपका यहाँ पे इलाज चल रहा है? ठीक से नहीं चल रहा? आप दवाई तो दे रहे हैं पर वो आराम नहीं लग रहा मेरे को। आराम नहीं आया आपको? आप मेरे साथ एक माता जी और भी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे किस लिए आई, किस चीज़ के लिए आई हैं आप? बेटा मेरे को डेंगू और चिकनगुनिया हुआ था, 2 महीने हो गए, ये बाजू देखो पत्थर की पत्थर है, कुछ बताते ही नहीं, ब्रूफोन लिख के दे देते हैं, छुट्टी हुई, कुछ नहीं करते, आँखों से दिखता नहीं, टांगों से चला नहीं जाता, बताओ कहाँ जाएं, बच्चे साथ नहीं देते। सरकार से आप क्या मदद की गुहार लगाएंगे? सरकार से यही कहें कि बुढ़ापे में आके भाई कोई घर वाले भी ना पूछे तो कुछ तो मदद करें हम लोगों की, कहाँ जाएं हम। तो आपको डॉक्टर ने कुछ हिदायतों के बारे में बताया कि किस तरीके की हिदायतें लेनी चाहिए? डॉक्टर ने आपको चिकनगुनिया और डेंगू के बारे में बताया कि कैसे होता है और क्या दवाई लेनी चाहिए, कुछ बताया उन्होंने आपको? नहीं, बस पैरासीटामोल दे देते और कुछ नहीं देते, कुछ नहीं बताया। मैंने उठा अपनी बेटी के यहाँ प्राइवेट इलाज किया, वहीं एडमिट थी मैं। पता लगे तो हाँ, तो देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर उनको अभी इस टाइम सिर्फ 2 महीने हो गए इनको आए हुए यहाँ पर, और इस टाइम बाउंसर आ चुके हैं जो कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार मरीजों से बात कर रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, हम सिर्फ मरीजों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। आप इस मरीजों से बात करने के लिए भी परमिशन लेंगे हम? सो जिस तरीके से बताया मरीजों ने कि इस टाइम उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं यहाँ पर ऐसे मरीज भी पहुँचे जिनको 2-3 महीने से डेंगू और चिकनगुनिया की शिकायत है लेकिन उनको आराम नहीं पहुँच रहा। तो आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे इस टाइम इमरजेंसी में बहुत भीड़ है और लोगों की काफ़ी यहाँ पे मरीज काफ़ी खड़े हुए हैं, काफ़ी देर से खड़े हुए हैं और उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरकिरत बिल्कुल, DDU अस्पताल में लोग बेहद परेशान हैं। तो चलिए इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, सफदरजंग अस्पताल के बारे में जानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक सांगवान जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आप इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सफदरजंग में मौजूद है, वहां क्या हालात है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो डेंगू को लेकर, चिकनगुनिया को लेकर और अब जिस तरीके से मलेरिया का मरीज सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और मैं इस वक्त राजधानी के सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं और सफदरजंग हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो हमने देखी कि आखिर किस तरह के इंतजाम हैं। इंतजाम मैं ये नहीं कहूँ, पहले से बेहतर जरूर है इंतजाम, और सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है लगता है कि कहीं ना कहीं उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, मगर इस मामले में कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसमें और कुछ करने की गुंजाइश है। अभी भी मरीजों की लाइन लगी हुई है, काफ़ी ऐसे मरीज हैं जो ये कहते हुए सुने हैं कि कहीं ना कहीं उनको बेड मुहैया नहीं हो रहा है। तो जाहिर तौर पर वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इंतजाम, आपकी डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का मरीज यदि कोई अस्पताल पहुंचता है तो उसको उस तरह का इलाज मिले, उस तरह का बेड मिले, इस तरह की उम्मीद हम सरकार से कर सकते हैं और उस तरह के इंतजाम सरकार को करने चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, जिस तरह से डेंगू और चिकनगुनिया के बाद अब मलेरिया के मामले भी सामने आए हैं तो दिल्ली वालों के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है, तो ये मुश्किल कितनी बड़ी है? बिल्कुल देखिए, ये चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे में मलेरिया के मरीज भी सामने आने लगे हैं। तकरीबन 525 मरीज अभी तक संख्या बताई जा रही है, आधिकारिक जो संख्या है जो NCD की तरफ से जारी की गई है उसमें तकरीबन 525 जो मरीज हैं वो मलेरिया के सामने आए हैं। यदि हम बात करें चिकनगुनिया की तो तकरीबन 2500 से ज़्यादा संख्या चिकनगुनिया के मरीजों की, तकरीबन 1300 से ज़्यादा संख्या डेंगू के मरीजों की हो चुकी है। तो चिंताजनक जरूर है, मगर इस बारे में क्योंकि सरकार अपनी तरफ से दावा कर रही है कि तमाम इंतजाम किए गए हैं और सरकार
पूरी कोशिश कर रही है कि डेंगू के मरीजों की, चिकनगुनिया के मरीजों की और मलेरिया के मरीजों की संख्या घटे, उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, उनको तमाम तरह के इलाज मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि तमाम इंतजाम किए गए हैं। देखिए सरकार की तरफ से किस स्तर पर इसके निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी में जो हालात बन रहे हैं वो काफी भयावह है। देखिए सरकार के स्तर पर तीन काम होने चाहिए। सरकार को पहला काम ये है कि तमाम जो मरीज आए उन, दूसरा ये है कि मरीजों के साथ जो सरकार को लड़ाई लड़नी है, जो प्रशासन को, चाहे वो एनसीडी हो या फिर सरकार हो, सरकार को उस तरह के इंतजाम करने चाहिए, फॉगिंग करनी चाहिए, ताकि उस तरीके से मच्छरों की संख्या घटे और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो बीमारी है वो महामारी का रूप ना ले। और तीसरा जो काम है, सरकार को अपनी तरफ से अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से वो डेंगू से, चिकनगुनिया से या मलेरिया से बच सकते हैं, और यदि इस तरह के कोई लक्षण उनको दिखाई देते हैं तो किस तरीके से वो एहतियात बरत सकते हैं और किस वक्त उनको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और किस तरीके से अपना इलाज करवाना चाहिए। देखिए आलोक जी, इसमें कोई दो राय नहीं, भारत को लताड़ा गया विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से। ब्रिटेन ने तो एडवाइजरी तक जारी कर दी। पिछले हफ्ते एमसीडी ने कहा कि फॉगिंग करवाई है, एंटी लार्वा जो है बड़े लेवल पर इसकी गतिविधियां शुरू करवाई जा रही है। लेकिन हम सवाल यही करना चाहेंगे, इस मच्छर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और प्रशासन का फॉगिंग अभियान, एंटी लार्वा अभियान किस तेजी से चलाया जा रहा है, किस स्तर पर चल रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 22 तारीख यानी आज से 100 जो मशीनें हैं वो फॉगिंग करेंगी अल्टरनेट डेज पर, और 26 तारीख से पूरी राजधानी में तकरीबन 600 ऐसी फॉगिंग मशीन होंगी जो पूरी तरीके से अल्टरनेट डेज पर राजधानी के अलग अलग इलाकों में फॉगिंग करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि दिल्ली मच्छर फ्री हो जाएगी, तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि यदि इस तरह की इंतजाम होते हैं तो कम से कम जो मच्छर है उनकी संख्या में कमी आएगी और निश्चित तौर पर जो बीमारी है उसकी संख्या में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी और मरीजों के लिए कम से कम एक ये बड़ी राहत की बात है। आलोक सांगवान हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से लाइव थे। तो यानी पूरे उत्तर भारत में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को लताड़ा है, ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी की है, भारत के लोग परेशान है, पूरा उत्तर भारत इस समय परेशानी में। सवाल एक है, क्या ये जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति है क्या ये सक्षम है आज हमें एक स्वस्थ जीवन देने में? चलिए, पर सबसे अहम आखिरकार ये आंकड़े कब रुकेंगे? इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, जुड़े रहे आप हमारे साथ।